फिजिकल रिलेशन बनाने के नेक्स्ट डे ही अगर पीरियड आ जाए तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि दो दिन बाद पीरियड आ गया तो क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन है आपके अंदर जिनको आज हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, पीरियड डेट से पहले कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में मिलने से प्रेगनेंसी नहीं होती, और वो कितने दिन होते हैं आइए बोर्ड पर समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने एक पीरियड साइकिल लिया है जो कि 28 दिन का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, आपका जितने दिन का हो उतने दिन का आप यहां पर उसको मानिए। ये डे ऑफ फर्स्ट है जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है। अब मान लीजिए किसी का पीरियड स्टार्ट हुआ, तारीख कोई भी हो, पीरियड स्टार्ट हुआ वो उसका पहला दिन हुआ महावारी का यानी ब्लीडिंग का, तो उसके बाद क्या होता है 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद बंद हो जाती है, किसी किसी में थोड़े ज़्यादा दिन होती है ब्लीडिंग। अब मान लीजिए ये पीरियड स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ये यहाँ बंद हो गया, उसके बाद आपका अब क्वेश्चन है दिन आगे बढ़ते गए। अब मान लीजिए किसी का 28 दिन का पीरियड होता है तो 28 के बाद ये 29-30 नहीं होंगे, 28 के बाद उसका फिर पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फिर पीरियड स्टार्ट हो गया। अब अगर 28 दिन का उसका पीरियड है तो आपका कॉन्टैक्ट इस दिन हुआ यानी 28वें दिन हुआ और उसके बाद पीरियड स्टार्ट हो गया, तो क्या ऐसे में प्रेगनेंसी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये आपके सेफ डे हैं। तो अगर अब किसी का क्वेश्चन ये रहता है कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले कितने दिन तक हम मिल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट आपके 8 से 10 दिन आपके जो है वो सेफ होते हैं। तो अगर आपका 28 दिन का हर महीने पीरियड रहता है तो आप यहां से यहां तक के दिनों में आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, ये आपके सेफ डे हैं। तो यानी अगर आपका 28 दिन का पीरियड है तो आप इतने दिन तक यानी यहां से अगर आपके किसी भी दिन में कॉन्टैक्ट होते हैं और उसके बाद अगर पीरियड स्टार्ट होता है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब अगर किसी का पीरियड साइकिल मान लीजिए 30 दिनों का होता है, उसके बाद एक नया पीरियड स्टार्ट होता है, तो अगर पीरियड स्टार्ट होने से पहले के 10 दिनों में आप मिलते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती, तो फिर आपके ये इतने दिन यानी यहां से इतने दिन आपके सेफ हैं, इन दिनों में अगर आप मिलते हैं फिजिकल रिलेशन बनता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। तो इसलिए जहां पर जो लोगों का क्वेश्चन है कि पीरियड स्टार्ट होने से पहले अगर हम 5 दिन पहले मिले हैं तो क्या प्रेगनेंसी होगी, पीरियड स्टार्ट होने से 8 दिन पहले अगर हम मिले हैं तो क्या प्रेगनेंसी होगी, तो भी नहीं होगी, पीरियड स्टार्ट होने से पहले अगर 10 दिन पहले आप मिले हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, अगर आप पीरियड स्टार्ट होने से 10 दिन पहले तक में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। अब इसके अलावा अगर आपके ये सवाल है कि हम 8 दिन में मिले या फिर पीरियड स्टार्ट होने के बाद मिले तो उसमें कौन से सेफ डे होते हैं, उसकी ऑलरेडी जानकारी हमने इन सारे वीडियोस में दे रखी है। अगर आप इनको वन बाय वन देखेंगे अकॉर्डिंग टू आपकी पीरियड साइकिल तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान रखिए, ये मेथड जिनके फिक्स पीरियड होते हैं उन पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, या फिर आपको एक ऑन एन एवरेज पिछले 4 से 5 महीने का पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर का या आपका जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट कितने दिनों का होता है, तो उसमें एक मीन आप निकालेंगे। मान लीजिए कभी किसी का 28 दिन का हो जाता है या कभी 30 दिन का हो जाता है, तो उसमें हम 29 दिन का पीरियड साइकिल को मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिर डेज और ओवुलेशन डे को कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको इन वीडियोस में बताया है। पूरी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि जो फिक्स डेट वाले वीडियोस हैं इनको आप जरूर देखिए, जिससे कि आपको अकॉर्डिंग टू आपके पीरियड आपको एक सटीक जानकारी हो, जिससे कि फ्यूचर में अगर आप मिलते हैं तो एक बेटर फ्यूचर प्लानिंग आप कर पाए। इन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, तो जरूर कमेंट करिए, बहुत जरूरी है। अगर बात करना तो आप मुझे कॉल फोर पे कॉल कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पर इन सेफ डे और अनसेफ डे के वीडियोस का लिंक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।